नमस्कार, मैं वैभव सिंह। आज मैं फिर आप लोग के बीच में आया हूँ। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर मैं आवाज उठा रहा हूँ। नारीपुर महनाजपुर अम्बेडकर नगर जिले के पड़ता है और संबलपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर एक अमृत सरोवर बना हुआ है। अमृत सरोवर में इस कदर भ्रष्टाचार हुआ है, अमृत सरोवर सिर्फ नाम का अमृत सरोवर है और यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको हम दिखाएंगे, 25 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर बना है, 25 लाख रुपए इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 25 लाख लगा कहाँ है? आप दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये बोर्ड आप दिखाइए जो है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के अंतर्गत ये अमृत सरोवर का कार्य कराया गया है और इसमें जो प्रधान है इस कदर भ्रष्ट प्रधान है कि इसको पूरा का पूरा पैसा 25 लाख रुपया इस और देखने के आप देखेंगे अगर तालाब में तो तालाब में आपको कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा है। अशोक कुमार वर्मा जो प्रधान है यहाँ के, उन्होंने ही बनवाया है। पत्रावली में दिखा गया होगा कि सारा काम ओके है लेकिन जमीनी स्तर पे काम जीरो है। अमृत सरोवर का नाम सिर्फ यहाँ पे है, बाकी आप अधिकारियों और प्रधान के द्वारा खा गए हैं। कहा जाता है कि सारा का सारा पैसा लग चुका है और जमीनी स्तर कुछ और बना रही है। आप देख सकते हैं तालाब सूखा है, जीव पानी पीना चाहे तो कुछ नहीं मिल जाए। यहाँ सिर्फ जो है आपको देखते हैं सब तालाब में पुपे जो है तैर रहे हैं और गंदा पानी कुछ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और पूरा तालाब सूखा है, सूखा बंजर, बंजर भूमि जिसको बोलते हैं, पूरा का तालाब बंजर में नजर आ रहे, कुछ नहीं है। अमृत सरोवर का नाम सिर्फ अमृत सरोवर है। आखिर इस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? बार बार मीडिया जो है दिखाने की कोशिश करती है, इन लोगों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने की कोशिश करती है लेकिन ये लोग अपने धुन में मस्त रहते हैं। जिस तरीके से भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस के पगड़ा, वही हाल हो गया है कि भ्रष्ट अधिकारी और प्रधानों का। इस तरीके से कैसे चलेगा इस देश में? ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? 25 लाख रुपए की लागत से जो कार्य करना था वो कार्य नहीं हुआ, जीरो है काम और ये पैसा सरकार के खाते में चढ़ गया, 25 लाख रुपया खर्च हो चुका है और जमीनी स्तर आप देख सकते हैं कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसे लोगों पे सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि ये लोग जमीनी स्तर पे कार्य कितना किए हैं। बाकी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अमृत सरोवर के ठीक सामने एक बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है, 150 पुराना कम से कम होगा और यहाँ आज बहुत जो प्राचीन आस्था है महाशिवरात्रि उसको लोग धूमधाम से मना रहे हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ भी लगी है और जनता जो है अगर यहाँ आना चाहे अमृत सरोवर पे, यहाँ पे बैठ सके दो मिनट के लिए सुकून से, तो बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। पानी सूखा है, उससे कोई मतलब नहीं, पानी ना जंतु आ सकता है ना इंसान आ सकता है और ना कोई उचित व्यवस्था की बैठने की व्यवस्था है। और ये मंदिर देख सकते हैं पूरा जो है पूरा भीड़ लगा हुआ है, हजारों संख्या में उस साइड पूरा मंदिर की तरफ श्रद्धालु हैं, यहाँ पे भक्त हैं और यहाँ से हम कुछ लोग अभी पूछेंगे कुछ लोगों से कि आखिर जमीनी स्तर सच्चाई क्या है। भैया आप जो है यहीं के रहने वाले? लखनिया। लखनिया, आप ये बताइए जो है ये अमृत सरोवर बना हुआ है? जी, ये अमृत सरोवर है, देखने में सिर्फ लगा है, बोर्ड है नहीं, मतलब ये अमृत सरोवर नहीं लग रहा है? नहीं। तो ये बताइए यहाँ पे लगभग 25 लाख रुपए में अमृत सरोवर लिखा हुआ है, 25 लाख रुपए में अमृत सरोवर बना है, जी नहीं? ये देख सकते हैं जमीनी स्तर कुछ और है। यहाँ पे जनता जो है पूछने के बाद भी पता चल रहा है कि जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है।